मैच चल रहा था आईपीएल, और इस वजह से मैं मैच ही देख रहा था। और फाइनली फिर से चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल में पहुंच गया है ना। धोनी ने लास्ट के 3 चौके मारे और टीम को पहुंचा दिया फाइनल में। मैं इसलिए लेट हो गया, मुझे पता था आईपीएल के इस खुमार में, इस बुखार में मुझे नहीं लगता कोई आएगा। आप लोग में से कितने लोग अभी आईपीएल का मैच देख रहे हैं? ओके, फाइनली फाइनली आईपीएल में के फाइनल में कोई नई टीम नहीं है, फिर से फाइनल में पहुंची है चेन्नई सुपर किंग्स, है ना। तो ये मैच चेन्नई सुपर किंग्स जीती है। अब लास्ट जो होगा केकेआर और आरसीबी, उसमें देखते हैं कौन जीतता है, और उसके बाद मालूम पड़ेगा कि उसके बाद फाइनली मालूम पड़ेगा कि आईपीएल का ये सीजन कौन जीत रहा है ना। काफी इंटरेस्टिंग मैच था, और अगर आप लोगों ने देखा हो तो, मेरे तो भी मैच चल ही रहा है। और धोनी, फिर से धोनी ने क्या खास बात थी इस मैच की? ऐसे लग रहा था कि जडेजा को भेजा जाएगा, लेकिन जडेजा नहीं आए बैटिंग करने के लिए, धोनी आए। और धोनी ने फिर क्या किया? कुछ नहीं, अपने अंदाज में मैच को फिनिश कर दिया। इसलिए धोनी का नाम धोनी है। इस बार लोग सोच रहे थे कि कोई नया विनर मिलेगा, दिल्ली कैपिटल्स पहुंचे, और साथ में अगर चेन्नई सॉरी आरसीबी पहुंचे तो कुछ काम बनेगा, मतलब कुछ नया हम लोगों को विनर, कोई नया विनर देखने को मिलेगा। बट ऐसा हुआ नहीं, फिर से फाइनल में पहुंची है चेन्नई सुपर किंग्स। अब होने के वाला है, अब दिल्ली कैपिटल्स खेलेगी केकेआर और आरसीबी के विनर के साथ, और उसके बाद डिसाइड होगा कि जीतेगा कौन आईपीएल को। सो फाइनली एक बात तो तय है कि चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल में पहुंच गई है। अब अगला फाइनलिस्ट कौन होगा, आप लोग प्रिडिक्ट करके बताओ। लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं, आज मैं देने वाला हूँ यस एक अमेजोन का वाउचर। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक अमेजोन का वाउचर मिलने वाला है किसी एक विनर को। सो आज एक अमेजोन का वाउचर मिलेगा, और साथ ही साथ क्या मिलने वाला है, साथ ही साथ मिलने वाला है एक मोबाइल फोन। यस गाइस, तो एक स्मार्टफोन और एक अमेजोन का वाउचर आज मिलेगा किसी को। तो जरा चेक करते हैं कि आज कौन जीतेगा स्मार्टफोन और अमेजोन का वाउचर। सो बढ़िया, स्मार्टफोन ये आप में से किसी एक विनर को मिल सकता है, और जो कि हमने प्रॉमिस किया था, और अमेजोन का वाउचर वर्थ ₹2000 ये मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले आप लोग बताइए, इज एवरीथिंग फाइन, अमेजिंग, बताओ इज एवरीथिंग फाइन। आज बेंगलोर में बहुत बारिश हुई, बहुत 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 ज्यादा बारिश हुई, और इतनी बारिश हुई कि क्या ही बताऊं, है ना। बाहर का मौसम, हमारे यहाँ जो ग्रास है वो पूरी तरह से गीली है, बिल्कुल सही बात मैं बोल रहा हूँ, गीली है। और ये बाहर का मौसम हो रहा है, ओ माय गॉड, लुक एट द व्यू, बेंगलोर व्यू, हमेशा दिखाता हूँ आपको, लेकिन इस बार तो क्या है ना, बारिश हुई है तो और भी ठंडा ठंडा माहौल हो गया है ना। सो उसमें हमारे यहाँ तो मेरा 21st फ्लोर है, 21वां फ्लोर, मतलब 21वें फ्लोर पर मैं रहता हूँ, तो आप अंदाजा लगाओ कि कितना ऊपर है ये। और फिर उसके बाद बेंगलोर नीचे से ऐसे कुछ दिखता है ना। अभी बाहर मैं इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ, है मैं जा सकता हूँ बाय द वे, ऐसे जा सकता हूँ कि यहाँ पर है ना, हमने एक अलग से चप्पल रखी है, लेकिन वो चप्पल भी अब पूरी तरह से गीली हो चुकी है, यानी कि ओवरऑल मैं गीला तो हो ही जाऊंगा। बट यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है आज, और आईपीएल के सीजन की वजह से बारिश हो रही है। चलो जो भी है, आज विनर बताऊंगा स्मार्टफोन कौन जीतने वाला है, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि आज ₹2000 का वाउचर कौन जीतने वाला है। लेकिन उससे पहले आज मैं आपको अपने घर का, हमने आज हमारी एक वॉल थी तो उस पे हमने क्या किया, उस वॉल पे हमने ना पेंटिंग्स लगाई हैं, तो मैं आपको पेंटिंग्स दिखाता हूँ, ठीक है। सो आप देखना चाहोगे वो पेंटिंग्स, तो चलो ये हमारा घर है, आप घर तो बहुत बार देख चुके हो, लेकिन घर का एक कॉर्नर है जो आपने नहीं देखा, वो है ये वाला, यस। सो ये बहुत अमेजिंग पेंटिंग्स हैं, जरा आप देखिए यहाँ पर, जैसे उल्टा दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है ग्रेटफुल, क्या लिखा हुआ है, ये ग्रेटफुल, ये ग्रेटफुल लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर क्या लिखा हुआ पढ़ के बताओ सब लोग, नमस्ते, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ ब्लेस्ड है ना। और ये पेंटिंग्स हमने लगाई हैं। अब ये पेंटिंग्स हैं, सबसे इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये एक हॉर्स है, हॉर्स की पेंटिंग है। उसके बाद जब आप योगा करते हो तो आप ऊपर पहुंच जाते हो, मतलब भगवान के करीब पहुंच जाते हो, मतलब इसका ये है। सो फाइनली उसकी पेंटिंग है। फिर कृष्ण भगवान की एक अमेजिंग सी पेंटिंग बनी हुई है यहाँ पर, फिर एक दिखाई दे रहा है सब लोगों को। सो ये डमरू वाले शिव जी, उनकी पेंटिंग है। फिर यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग, फिर देखो यहाँ से थोड़ा सा नेचर लुक, फिर स्पिरिचुअलिटी का लुक आ गया है ना, और फिर फाइनली यहाँ पर एक ऐसा लुक है, मॉडर्न लुक, नारी तो नारायणी ऐसा टाइप का है ना, तो ये मॉडर्न लुक आ गया।
ये पेंटिंग है एक, हमने इस तरह से कॉर्नर बनाया, मैं दूर से दिखा था आपको। ये वॉल है जिसको हमने इस तरह से यहाँ पे पेंटिंग्स लगा दी। कैसा लग रहा है आप लोगों को, मजा आ रहा है देख के? फाइनली ये एक नया कॉर्नर है जो हमने बनवाया है। पीछे देखो, दिख रहा होगा आप लोगों को, दिखाई दे रहा है? अमेजिंग अमेजिंग। तो चलिए और बताइए। तो फाइनली चलो अब, क्योंकि काफी लेट हो गया है और काफी लोग कहेंगे कि हम तो सोने का समय हो गया है, आप फटाफट से बताओ हमारे विनर कौन है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ फटाफट से विनर्स कौन है। लेकिन बाय द वे, मेरा बर्थडे जब था तो मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले थे, उन्हीं में से एक गिफ्ट ये था। ये एक प्यारा सा गिफ्ट हमें मिला था, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिस इज द गिफ्ट। और ये भी एक गिफ्ट था, ये भी एक गिफ्ट मिला हमें गौतम बुद्धा, ये एक गिफ्ट मिला था तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, ये भी गिफ्ट था। ये हमने यहाँ पर लगा दिया, बाकी गिफ्ट बहुत सारे हैं वो अंदर है, लेकिन शोकेस करने वाले जो गिफ्ट है वो हमने यहाँ रख दिए, है ना? तो यस, सो चलो फाइनली हम लोग जानते हैं कि आज का 2,000 रुपीज का वाउचर विनर कौन है। नाइस गिफ्ट, थैंक यू सो मच। आप से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं, तो वो हमेशा कोई भी चीज दिखाते हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं, सेशन को लाइक जरूर करते हैं और कहते हैं कि हाँ हमें कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है। सो डू लाइक द सेशन राइट नाउ। चलो सो फाइनली मैं अब आपको बताता हूँ 2,000 रुपीज का। सबसे पहले हम बात करेंगे, चेन्नई सुपर किंग्स पहुंच गई है फाइनल में, फिनाले में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले तो कौन पहुंचा है, लेकिन उससे पहले चलो एक काम करते हैं। ये सेशन अभी लाइव चल रहा है आपके, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो लाइव सेशन चल रहा है यूट्यूब। तो यूट्यूब ओपन हो रहा है, ओके ओपन हो चुका है, बैक चलते हैं। ओके फाइनली यस, फिर उसके बाद चेक करते हैं अरविंद अरोरा, मतलब हमारे घर पे जो टीवी लगा हुआ है वो भी वॉइस कंट्रोल्ड है आप उसमें। हाँ ये देखिए, तो अभी आप लोग मुझे लाइव देख रहे हैं तो ये देखिए यूट्यूब है और यही वो सेशन है, आई थिंक ये वो सेशन है ये वाला। तो ये अरविंद अरोड़ा से खोल दिया है उसने, इसको ओपन करता है लाइव सेशन को, तो आप शायद आप अपने चैट्स को देख पाओ। तो ये चल गया है, ओके। तो अभी जो मैं चल रहा हूँ वो टीवी में भी दिख रहा है कि ये ऐसे मैं चला रहा हूँ और ये लाइव टीवी में भी दिख रहा है, देख रहे हो आप लोग? यस, तो ये लाइव टीवी में भी दिख रहा है। आय हाय, मतलब ये होगी टेक्नोलॉजी की बातें पर मजेदार है। बाय द वे फाइनली ओके, आया है क्या, कितना खूबसूरत दिख रहा है, मुझे वहां पे भी बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, मुझे वहां पे काफी खूबसूरत दिख रहा है लाइव सेशन। ये है आपके लाइव सेशन जो चल रहा है वहां पे, ना? ओके अमेजिंग। तो चलो फाइनली आज हम लोग, मैं आपको वहां पे हमारा डबल स्क्रिप्ट, हाँ ये बढ़िया, दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग। तो मैं बैठ गया हूँ और आपको मैं यहाँ पे भी दिखाई दे रहा हूँ और वहां पे टीवी चल रहा है वहां पे दिखाई दे रहा हूँ, है ना? यस, ये इंटरेस्टिंग चीज है। तो सामने वो लाइव चल रहा है जो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये लाइव सेशन चल रहा है वहां पे टीवी के अंदर। फाइनली हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो अमेजोन का वाउचर है कौन जीत रहा है। इस बार के अमेजोन के वाउचर का मैं अभी आपको नाम बताने वाला हूँ, सो आप लोग रिकॉर्ड कर लेना भाई ये मजेदार है। चलो फाइनली आज हम Amazon के वाउचर और स्मार्टफोन, इनके विनर्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखें आज Amazon का वाउचर कौन जीतता है और उसके बाद स्मार्टफोन कौन जीतता है, लेट्स सी। वहां पे तो ड्रैग हो गया लाइव सेशन ड्रैग हो गया वहां पे, ड्रैग मतलब। चलो सो मैं बताऊं आपको आज का विनर कौन है, स्मार्टफोन का और Amazon के वाउचर का। तो चलो सबसे पहले हम बात करेंगे Amazon के वाउचर के विनर का। Amazon के वाउचर के विनर की बात करते हैं। सबसे पहले तो Amazon के वाउचर की विनर, पर सवाल ये उठता है कि Amazon का वाउचर का जो विनर है और ये जो स्मार्टफोन का विनर है, आखिर आप लोग कैसे बन सकते हैं? पहले मैं विनर का नाम बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोग कैसे जीत सकते हो। ये 2,000 रुपीज का वाउचर है अमेजोन का, जो कि आप अमेजोन पे जाके आप अमेजोन से 2,000 रुपये का कुछ भी खरीद सकते हो, उसमें तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, 2,000 रुपीज तक का कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है? उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, आप कुछ ऐड करेंगे। हाँ, अगर आप 2,000 से ऊपर कुछ खरीदते हो देन यू हैव टू पे, 2,000 रुपये हमारी तरफ से आपको मिल रहे हैं। मान लो 2,100 रुपए का खरीदा तो आपको 100 रुपए ही देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने 100 रुपए का और खरीदा है। तो ये 2,000 का कूपन है, ये आपको मिलेगा। मैं आपको पहले विनर बताता हूँ, फिर बताता हूँ आप लोग कैसे जीत सकते हो। मान लो आज आपका नाम नहीं आता है, इन दैट केस सवाल ये उठता है कि अमेजोन का ये जो कूपन है, ठीक है, ये वाला, ये अमेजोन का कूपन है, तो ये अमेजोन का कूपन आप लोग कैसे जीत सकते हो, उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है? फिर मैं आपको बताऊंगा स्मार्टफोन आप कैसे जीत सकते हो, कैसे जीत सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले ये अमेजोन का कूपन किसने जीता है, वर्थ रुपीज 2,000, उनको वो कल तक मिल जाएगा। ओके
लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, टुडेज 2,000 रुपीज कूपन विनर गोज टू, ओके ओके, तो ये किसने जीता है चलो बताऊं मैं आपको। फाइनली ये जीता है 2,000 रुपीज के वाउचर को, विन किया है हमारी टीम की तरफ से बताया गया है, जो है शिव शंकर कुमार। बहुत बहुत बधाई हो शिव शंकर कुमार। शिव शंकर, और आप में से मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी अभी स्मार्टफोन का विनर बाकी है, तो मैंने अभी नहीं बताया, ठीक है। शिव शंकर कुमार को आप लोग सभी कंग्रेचुलेशंस कहो चैट में, क्योंकि दूसरों की खुशी से खुश होने वाले एक ना एक दिन जरूर जीत जाते हैं। तो आप शिव शंकर कुमार को कंग्रेचुलेशंस कहो, शिव शंकर कुमार कंग्रेचुलेशंस। और फाइनली जाते जाते मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे जीत सकते हो, और मैं आगे कुछ जो यूट्यूब के चैनल्स हैं जो कि मोस्ट प्रॉमिसिंग लोग हैं, ठीक है, जो यूट्यूब पे काफी अच्छा कर रहे हैं, उनको मैं अभी प्रमोट भी करने वाला हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले तो शिव शंकर कुमार को जाता है 2,000 रुपए का कूपन, ये अगले 7 दिन में आपको मिल जाएगा, और आप अमेजोन से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। और उसके बाद स्मार्टफोन का विनर बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा ये आप लोग, अगर आपका नाम आज नहीं आता है तो आप इन दोनों को कैसे जीत सकते हो। तो शिव शंकर कुमार बहुत बहुत बधाई हो, ₹2,000 कूपन मिलता है आपको, और अगले 7 दिन में आपको ये कूपन मिल जाएगा। और अब हम चलते हैं हमारे स्मार्टफोन के विनर की तरफ। बताइए कौन कौन जानना चाहता है कि आज हमारे स्मार्टफोन का विनर कौन है, तो जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में कौन कौन जानना चाहता है कि हमारे स्मार्टफोन का विनर कौन है। कोई जानना चाहता है, स्मार्टफोन के विनर को जानना चाहते हो आप? अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो कौन कौन जानना चाहता है जिस चैट सेक्शन में देखते हैं कौन कौन जानना चाहता है। ये अविराज कुशवाहा, लव यू, थैंक यू सो मच, ड्रीम इलेवन। कौन कौन जानना चाहता है? मिराज, विशाल। और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आप लोग ये स्मार्टफोन के लिए और अमेजोन के कूपन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। पर कौन कौन जानना चाहता है? शान, गुलजार, निकी यादव, आई वॉन्ट टू नो, अमेजिंग, शुभम, अमेजिंग, हिमांशु नाथ त्रिपाठी, क्या नाम है, वेद त्रिपाठी, अंकित कुमावत, और मिस्टर पहाड़ी इंडियन। उसके बाद संतोष, स्टडी चौधरी, और युवराज, युवराज, गुरमीत सिंह, राज यादव, रावल। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ, इंतजार नहीं करवाऊंगा। स्मार्टफोन जो दिख रहा है बेसिकली वो नहीं मिलेगा आपको, जो क्योंकि ये बंद हो चुका है, ठीक है। ये इसलिए नहीं कि ये ऑनर 8X है, जो कि अब नहीं मिलता है, तो हम आपको अच्छा वाला फोन देंगे, डोंट वरी। तो आपको अच्छा वाला स्मार्टफोन देंगे, ये बंद हो गया, बट ये स्मार्टफोन का डब्बा है तो मैंने हाथ में पकड़ रखा, ठीक है। सो पहली बात तो ये, इससे अच्छा ही फोन आपको मिलेगा, क्योंकि ये काफी, ये मैंने लिया था, ये काफी पुराना फोन है जो जिसका डब्बा मेरे पास पड़ा हुआ था। तो पहले देखो, पहले ऐसे फोन थे हमारे पास, ठीक है। हाँ, तो ऑनर 8X, ये फोन तो अभी बंद हो गया, पर आपको अच्छा फोन देंगे, इससे भी अच्छा फोन आपको मिलेगा। चलो तो फाइनली देखते हैं ये फोन जो है, मतलब स्मार्टफोन कौन जीत रहा है इस बार। और अगर आप जानना चाहते हैं उसका नाम, तो सबसे पहले सेशन को लाइक करो। तो देखते हैं, अभी 7,841 लाइक हो गए, ठीक है। तो मैं जब तक इसका नाम बताता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो अभी ये जो सेशन है उसको 10,000 लाइक तक लेके जाएंगे। देखे 10,000 लाइक, क्या बात है, 10,000 लाइक तक का टारगेट है हमारा। 8,300, 8,600, ओह माय गॉड, 10,000 तक लेके जाना है। 8,900, अमेजिंग। और उसके बाद ये पहुंच गए हम लोग 9,200, अमेजिंग, 9,200, 9,500, अमेजिंग। क्या 10,000 क्रॉस कर पाएंगे हम लोग? 10,000, 10,000, 9,800, 10,000, 10,000 लाइक्स, 10,000 लाइक्स, ओह माय गॉड। यार इतना ज्यादा प्यार करते हैं आप लोग, मैंने अभी बोला और आपने सिर्फ मुश्किल से 1 मिनट के अंदर अंदर 10,000 लाइक्स करवा दिए, अमेजिंग यार। बाय द वे, हमारा ऑफिस बन गया था आपको पता है, और अब हम लोग फ्यूचरिस्टिक प्लान्स के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा एक मकसद है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्टूडेंट को सर्व करना, और उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लान है जिसको एग्जीक्यूट करने की तरफ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो बहुत जल्दी हम आपको वो सारी सुविधाएं, सेवाएं जो मैं बोलता रहा हूँ, स्कॉलरशिप से लेके आप लोगों को फ्री में कोर्स प्रोवाइड करने से लेके, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं उस पे काम शुरू हो चुका है, और बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज क्या है, तो आप लोग बने रहना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि स्मार्टफोन किसने जीता है, सब लोग जानना चाहते हैं। सो आई टेल यू, क्योंकि 10,000 लाइक्स हो चुके हैं और आप लोगों ने दिल खोल के लाइक किया है, तो मैं आपको इंतजार नहीं कराऊंगा। और एक और बात, जैसे ही स्मार्टफोन विनर का मैं नाम लूंगा, उसके बाद स्मार्टफोन विनर और अमेजोन का ये वाउचर आप भी कैसे जीत सकते हो उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। सो दीज आर द गिफ्ट्स जो कि हम लोग देते हैं आपको, और उसके पीछे का रीजन है कि हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग फिजिकली, मेंटली और मोनिटरी टर्म से आगे बढ़ो, सक्सेस को पाओ। इसी के लिए हम लोग ये सारे के सारे छोटे छोटे से गिफ्ट हमारी तरफ से देते हैं, एक प्यार भरा तोहफा है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप भी
इन प्यार भरे तोहफों को हमसे जीत सकते हैं। सो प्यार भरा तोहफा और कुछ भी नहीं है। सो ऐसी गिव अवेज हम लोग करते रहते हैं, तो स्मार्टफोन का विनर देखते हैं कौन है। सो फाइनली स्मार्टफोन का विनर हमारी टीम ने किसको चुना है। पहली बात तो वो मध्य प्रदेश से है, तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से है आज के स्मार्टफोन का विनर, मध्य प्रदेश। पहली चीज आपको मालूम पड़ गई, एमपी। तो बहुत बहुत बधाई हो, नाम नहीं बताया अभी तक मैंने। सो मध्य प्रदेश से हमारा स्मार्टफोन का विनर है, नाम है उसका, नाम देख लेते हैं, नाम है, बताऊं, नाम है प्रवीण चौके। प्रवीण चौके, प्रवीण चौके, एमपी, मध्य प्रदेश से प्रवीण चौके। तो ये दो विनर्स हैं आज। सबसे पहला विनर शिवशंकर कुमार, एमेजोन का 2,000 रुपीज का वाउचर, और उसके बाद स्मार्टफोन का विनर है प्रवीण चौके फ्रॉम मध्य प्रदेश, शिवशंकर कुमार एंड प्रवीण चौके। पर सवाल ये उठता है कि शिवशंकर कुमार और प्रवीण चौके ने ऐसा क्या किया जो ये बन गए विनर, ठीक है। तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ कि आप लोग कैसे 2,000 का ये वाउचर कूपन, क्योंकि कोई बंद नहीं होगा, हम लोग गिव अवेज करते रहेंगे। तो मैं अगले गिव अवेज का अनाउंसमेंट अभी कर देता हूँ, मैं आपको फिर से कहता हूँ, अगले गिव अवेज का अनाउंसमेंट है। फिर से हम लोग एक अमेजोन का कूपन और एक स्मार्टफोन का विनर अनाउंस करेंगे 1 महीने के अंदर, किसी भी लाइव सेशन में हो सकता है। पर सवाल ये उठता है कि आप कैसे जीत सकते हो ये अमेजोन का वाउचर और ये स्मार्टफोन, आप कैसे जीत सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। तो शिवशंकर कुमार और प्रवीण चौके ने ऐसा क्या किया कि वो बन गए विनर, तो मैं आपको बताता हूँ इन्होंने ऐसा क्या किया। सो आई विल टेल यू। सबसे पहले तो ये प्यार से, प्यारे से तोहफे हैं, गिफ्ट है, जो हम चाहते हैं कि आपको प्रोत्साहन के तौर पर दिए जाएं, आपको गिफ्ट के तौर पर दिए जाएं, और ये हम आपको सिर्फ उसी के तौर पर ही दे रहे हैं। पर सवाल ये उठता है आप लोग इसके लिए क्या करो, तो मैं आपको बहुत बार बताता हूँ। देखिए एक बात याद रखिए, हमारा मकसद क्या है, मेंटली फिजिकली और मनीटरी टर्म से अपने आप को इम्प्रूव करना। एक बात मैं आपको हमेशा बोलते रहूंगा, और क्योंकि वो मैं चीज मिस करता हूँ, अगर मुझे मेरे स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में पता लग जाता ना कि ये सब चीजें भी होती हैं, तो डेफिनेटली यार हम, मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। मुझे लगता है कि इस एज में आते आते तो मैं बहुत आगे निकल जाता। जैसे मैं उनको देखता हूँ, वॉरेन बफेट को देखता हूँ, या फिर राकेश झुंझुनवाला को देखता हूँ, मतलब दीज आर द गाइज जो कि बहुत छोटी उम्र से, कम उम्र से इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। इन्वेस्टमेंट इज द की। मैं आपको ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कभी नहीं कहूंगा, ठीक है। आप इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास 1,000 रुपया है, आपको कहीं से पॉकेट मनी से भी 1,000 रुपया मिलता है, तो आप 100 रुपये इन्वेस्ट करो, मेरी मान के आप। हालांकि इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क है, ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना या फिर किसी कंपनी का शेयर खरीदना वो आपके ऊपर है। पर मैं कहता हूं आप इन्वेस्ट करो या नहीं करो, उससे क्या फर्क पड़ता है, एटलीस्ट अपना डीमेट अकाउंट तो खुलवा लो, ठीक है। और बड़े अफसोस की बात है कि इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन, लेकिन डीमेट अकाउंट कितने लोगों के हैं, पूरी पॉपुलेशन 100 में से 4 लोगों के डीमेट अकाउंट है, जिसमें से भी एक ही ढंग से इन्वेस्ट करता है, बाकी तो 3 इन्वेस्ट करते ही नहीं है, जो कि बड़े अफसोस की बात है। और वहां से सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके लोग अपनी वर्थ बढ़ा रहे हैं और उसको दुगना, चौगुना, 5 गुना कर रहे हैं, है ना। तो जब बाकी लोग कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। हालांकि दिस इज सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। आप लोग पूरी रिसर्च करें, पूरा ध्यान से देखें कि बेसिकली यू नो कंपनी कौन सी है, कितना ग्रो कर रही है, क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो आपका पर्सनल डिसीजन होगा। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ढंग से आसपास देखो और स्टडी करो, तो आप बड़े आसानी से इन्वेस्ट किसमें करना है वो जान सकते हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टमेंट करें कैसे, तो बहुत आसान है। और इसके लिए ना ज्यादा, मैं कोई सीए के बैकग्राउंड से नहीं हूँ यार, मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता है सब क्या होता है। लेकिन मुझे एक बात पता है, कंपाउंडिंग, मुझे एक बात पता है कि इन्वेस्टमेंट से बैंक में पड़ा हुआ पैसा किसी काम का नहीं है, ठीक है। अगर 100 रुपये भी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको आपके अगर आपको ऐसे दिन लाने हैं कि आपका पैसा आपके लिए कमाए, यू हैव टू इन्वेस्ट, ठीक है। इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो आपके पास, आप इन्वेस्ट करो नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लो। एक अपना डीमेट अकाउंट जरूर होना चाहिए, जैसे आपका बैंक अकाउंट है वैसे आपका डीमेट अकाउंट होना चाहिए। खुलवाने में कुछ नहीं है, उसके बाद आप उसको यूज करो नहीं करो आपकी मर्जी है, लेकिन डीमेट अकाउंट खुलवाने के साथ साथ आपको रेफर और अर्न का मौका मिलता है। आप किसी को रेफर करके अर्न भी कर सकते हो। तो आप जरूरी नहीं कि आप उसको इन्वेस्टमेंट के लिए खोलो, आप अपना खुलवाओ, उसके बाद दूसरों को रेफर करो, वहां से अर्न होगा, जो पैसे मिलेंगे उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, नहीं तो अपने बैंक अकाउंट में आप क्या कर सकते हो, उसको विड्रॉल भी कर सकते हो। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो अच्छी बात है, नहीं है तो डीमेट अकाउंट में कोई पैसे, जरूरी नहीं कि डीमेट अकाउंट खुलवा ले तो आपको पैसे लगाने ही पड़ेंगे, इसको जरूरी नहीं है। डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद रेफर अर्न प्रोग्राम से आप अर्न भी कर सकते हो और उसी पैसे को आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अगेन दिस इज सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, ठीक है। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जब बड़े हो जाएंगे, मुझे पता है कि अगर आप
पूरी उम्र नौकरी नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि आपको पैसा आपके लिए कमाए, इन दैट केस आपको डीमैट अकाउंट जरूर खुलवाना चाहिए और आगे जिंदगी भर आपको काम आएगा। बट दिस इज अगेन योर डिसीजन, आई एम नॉट एट ऑल, मैं आपको नहीं कहता हूं कि आप लोग करिए, बट मैं आपसे ये कहूंगा कि हाँ मैंने किया है और मैंने उसके बेनिफिट देखे, पर अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, बट मैं आपसे कहूंगा कि बड़े भाई के जैसे, छोटे भाई के जैसे, जो भी आप समझना चाहें पर आप जरूर करें। पर मैं आपको बताता हूं, मेरा एक सपना है कि जैसे यूएस में यू नो हर 100 में से 50 लोगों का डीमैट अकाउंट है, मेरे 55 लोगों का डीमैट अकाउंट है, इंडिया में 100 में से 4 लोगों का डीमैट अकाउंट है, वहां के लोग इन्वेस्टमेंट कर करके पैसा कमाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जैसे आज अगर आपने देखा हो राकेश झुंझुनवाला जी ने क्या कहा था, अभी थोड़े दिन पहले स्टेटमेंट आई थी राकेश झुंझुनवाला जी की, जो कि सबसे बड़े इन्वेस्टर है इंडिया के, उनको इंडिया का हम लोग वॉरेन बफेट कह सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जितने भी इन्वेस्टर है, बजाय आप बाहर के शेयर्स खरीदने के या बाहर इन्वेस्ट करने के, इंडिया में इन्वेस्ट करो, इंडिया को पावरफुल बनाओ। आज इंडियन मार्केट इतना बूम कर रहा है, पूरे दुनिया में छा रहा है, क्या रीजन है? रीजन ये है कि 2020 में लोगों ने जब घर बैठे तो उनको समझ में आया कि शेयर मार्केट में या फिर इन्वेस्ट करने से, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से, अपना पैसा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने से हम भी दुगनी, हमारे पैसे भी दुगने हो सकते हैं, ऐसा नहीं, हमारे पैसे भी मतलब हम कमा के दे सकते हैं। अगेन दिस इज अ रिस्क, बट समझदारी से इन्वेस्ट करोगे तो ये पॉसिबल है, अगेन दिस इज अ रिस्क, ठीक है, बट इस ड्यूरेशन में, ये कोई झूठ नहीं है, सच है, अगर आप जाओगे गूगल में, बहुत लोगों ने इस कोरोना काल में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा पैसा कमाया, इन्वेस्ट करके, सिर्फ उनके पास 100 रुपए थे तो, अगर किसी के पास 1000 रुपए थे तो 100 रुपए करके इन्वेस्ट करके लगा दिया, उनके 100 रुपए के काफी अच्छा रिटर्न उनको मिला है। तो आप भी ये काम कर सकते हो, अगर आप समझदारी से इन्वेस्ट करो तो ये काम हो सकता है। आप किसी को शेयर गिफ्ट भी कर सकते हो, आप रेफरल उनके प्रोग्राम भी ले ज्वाइन कर सकते हो, बहुत कुछ है। अगेन मैं आपको ये बात बोलता रहता हूँ, बट अगेन अगर आप ये काम करते हो, इन दैट केस डीमैट अकाउंट अगर आप खुलवाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है इन फ्यूचर। और बस हम लोग ए टू मोटिवेशन फैमिली में क्या करते हैं कि जो भी यू नो फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली अपने आप को ऊपर बढ़ा रहा है, हम चाहते हैं कि उनको हम लोग प्रोत्साहित करें, और उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अमेजोन के वाउचर्स और हम लोग ये स्मार्टफोन जैसे गिव अवेज करते हैं, ताकि आप लोगों को प्रोत्साहन मिले और आप लोग सोचे कि नहीं यार हम भी जीत सकते हैं, हमको भी फायदा हो सकता है। और आप सोचिए कि आपने एक अकाउंट खुलवाया या फिर आपने इन्वेस्ट किया, सूझबूझ से इन्वेस्ट किया, ठीक है, और आपको ए टू अमेजिंग, ए टू मोटिवेशन जो हमारा चैनल है, उससे हमारे परिवार की तरफ से एक छोटा सा आपको गिफ्ट भी मिल गया, आपका प्रोत्साहन हो गया, तो ये काम आप कर सकते हो। बट अगेन दिस इज सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, आपको पूरी स्टडी करनी है, फिर उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है। बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये लाइन बोलनी सेबी की तरफ से जरूरी होती है कि दिस इज सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, बार बार बोलना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सेबी का ये नॉर्म्स है, ठीक है। बट मुझे पता है, सबको पता है कि दिस इज गोना बी यू नो ह्यूज इन फ्यूचर, सो ये आपके लिए एक मकसद, एक मौका बन सकता है। चलिए, सो फाइनली आज के विनर्स मैंने आपको बता दिए, अब हम चलते हैं यूट्यूब के शाउट आउट्स की तरफ। तो यूट्यूब के शाउट आउट सबसे पहले इंस्टाग्राम पे चेक करते हैं। तो चलिए, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो पहले इंस्टाग्राम पे चेक कर लेते हैं कितने लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि इंस्टाग्राम पे हमारी बहुत एक बड़ी फैमिली है, 6,77,000 लोग अभी फॉलो कर रहे हैं, और ये मेरा अकाउंट है, आपको वहां दिख जाएगा डायमंड प्ले बटन के साथ एक फोटो है और साथ में 677 उल्टा दिख रहा होगा, 677 के वहां पर फॉलोवर्स है। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पर जब आप मुझे डीएम करते हैं, हमारी टीम को दिखता है, वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, और यहाँ पर आपको डायरेक्टली शाउट आउट भी मिलता है, और अभी मैं आपके चैट्स देख के आपको शाउट आउट दूंगा अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल है तो। और हैंडल का नाम ऊपर लिखा हुआ है, देखिए ये ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सब लोगों को, दैट इज अरविंद डॉट अरोरा, लिंक्डइन पे मैसेज आ गया आयुष का, दैट इज अरविंद डॉट अरोरा, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए आज 677 के 678 हो सकते हैं क्या, 1000 लोग मुझे अभी फॉलो कर सकते हैं क्या, देखिए 1000, चलो देखते हैं। सो फाइनली ये इंस्टाग्राम का हमारा हैंडल है, अब हम चेक करते हैं यहाँ पर किसने मुझे डीएम किया और यहाँ पर कौन शाउट आउट चाहता है। सबसे पहले नोबिता की अदालत, ये लगातार मैसेज कर रही है, नोबिता की अदालत मैंने देख लिया, ये नोबिता की अदालत उसने मुझे मैसेज किया, जरा चेक करते हैं कितने। ओके, तो यहाँ पर ओके, ये क्या हो रहा है, अच्छा ए टू सर ने फ्री में चैनल प्रमोशन किया, तो उसने एक इसका वीडियो बनाया, काफी पुराना है, तो फ्री में चैनल प्रमोशन हम लोग बहुत बार करते हैं। सो नोबिता की अदालत एक चैनल है, दूसरी बार प्रमोट हो रहा मुझे दिखता है ये, तो चलो, तो नोबिता की अदालत, इसको प्लीज आप प्रमोट करें, इसको आगे लेके जाएं ताकि ये भी आगे बढ़े और इसका फैन पेज भी आगे बढ़े। नोबिता की अदालत बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा कर रहे हो,
एंड फिर है निकिता भाटी, निकिता भाटी जरा चेक कर लेते हैं, वो बहुत सारे, ओ निकिता भाटी, आपको मैं कहूंगा कि ये तो मुझे फैन पेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट फैन पेजेस के अलावा भी आप लोग अपने खुद के वीडियोस बनाओ यार, वो ज्यादा अच्छा है, समझ रहे हो? आप खुद के वीडियोस बनाओ, अगर आप खाना बनाते हो आप खाने के वीडियोस बनाओ, अगर आप किसी की टेक के बारे में बता सकते हो तो टेक के वीडियोस बनाओ, अगर आप ये देखो प्रमोशन भी चल रही है पैरेलली, तो किसी टेक के वीडियोस बना सकते हो तो टेक के वीडियोस बनाओ, और डांस के वीडियोस बना सकते हो या फिर सिंगिंग के वीडियोस बना सकते हो, किसी भी तरह के वीडियोस बना सकते हो, वैसे वीडियोस बनाओ। मैं चाहता हूँ कि आप खुद एक क्रिएटर बनो, रादर कि आप मेरी वीडियोस डालो। फैन पेजेस बहुत सारे हैं ऑलरेडी, मुझे 300 अराउंड फैन पेजेस हैं अरविंद अरोड़ा या फिर A2 नाम से, तो इतने सारे फैन पेजेस की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने अपने वीडियोज बनाओ और उसको हम लोग प्रमोट करें, है ना? बाकी खैर अब अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट कोई ओरिजिनल कंटेंट देखते हैं, कोई ओरिजिनल कंटेंट वाला भी है क्या? तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं अभी इंस्टाग्राम पे मैसेज चेक कर रहा हूँ, तो देखिए कितने लोगों की रिक्वेस्ट आई है, जरा चेक कर लेते हैं मैसेज रिक्वेस्ट। ओके श्रेयस माने कह रहा है गुड नाइट, ओके गुड नाइट श्रेयस, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड गुड नाइट, थैंक यू सो मच। आर्ट फॉर ड्रॉइंग, चलिए तो आर्ट फॉर ड्रॉइंग करके एक चैनल है, उसने अपना भेजा है, देखो ये थोड़ा अलग है, दिस इज सीम्स टू बी डिफरेंट, तो ये थोड़ा अलग है, आर्ट फॉर ड्रॉइंग, ये आर्टिस्ट है, इसकी वीडियोस काफी अच्छी लग रही हैं, शॉर्ट वीडियोस बना रहा है, आर्ट फॉर ड्राइंग, अमेजिंग आर्ट फॉर ड्राइंग, थोड़ी और मेहनत करो, आपने अबाउट सेक्शन को कंप्लीट नहीं किया है, प्लीज आप उसे कंप्लीट करो, तब जाके कुछ चैनल ग्रो होगा, ठीक है? बाकी मेहनत करो, और जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी ज्यादा मेहनत करो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास और कौन है, प्रोमिसिंग, प्रोमिसिंग कौन है, प्रोमिसिंग प्रोमिसिंग प्रोमिसिंग, अच्छा मुझे एक सिंगर है तो उसका चैनल काफी काफी प्रॉमिसिंग है, जरा चेक कर लेते हैं मुझे मिलता है तो। ओके तो फाइनली जरा चेक करते हैं। बस एंड टाइम पे चैनल नहीं मिलता, हाँ मिल गया, तो चंडीगढ़ पंजाब से, पंजाब से एक मोहतरमा है जो कि काफी अच्छा गाती हैं, इनका खुद का चैनल है, तो मुस्कान हांडा, मुस्कान हांडा काफी अच्छा गाती है, मुस्कान हांडा, इनके चैनल पर चलते हैं, इनके चैनल का नाम देखें जरा, इनके चैनल का नाम भी मुस्कान हांडा है, म्यूजिक में दिलचस्पी है इनको, काफी अच्छे गाने, इनके म्यूजिक वीडियोस भी काफी अच्छे हैं, 1045 1450 सब्सक्राइबर्स है अभी चैनल के, मुस्कान हांडा नाम है, कंग्रेचुलेशन मुस्कान, आपके वीडियोज काफी अच्छे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप एक उभरती हुई सिंगर बने और इंडिया का नाम रोशन करें और आप भी काफी ऊपर जाएं, वीडियोस काफी अच्छे हैं, आवाज भी बहुत अच्छी है और मुझे काफी पसंद आई, अगर आप चाहते तो आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि A2 मोटिवेशन में आपको प्रमोशन मिला है, आपको प्रमोट किया गया, तो प्लीज आप उसको जरूर देखें, शेयर करें, मुस्कान हांडा ये चैनल का नाम है, काफी अच्छे वीडियोज है, और अबाउट सेक्शन देखिए, अबाउट सेक्शन में काफी अच्छा लिखा है, ट्विटर, ये मोहतरमा ट्विटर पर भी है और यूट्यूब का चैनल लिंक भी दे रखा है, तो काफी इंटरेस्टिंग है। ओके नेक्स्ट, तो मुस्कान हांडा बहुत बहुत बधाई हो, तो आपका ये चैनल है, उसके बाद और देखते हैं और किसी का आया है क्या इंस्टाग्राम पे, हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं अभी, यू हैव अ चांस, इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा हूँ, और रिक्वेस्ट चेक करते हैं, प्लीज सर क्या लिखा है, टुक सो मच हार्ड वर्क, चलो चेक करते हैं हु इज दिस गाय। ओके सो ये न्यू फैक्ट्स करके है, ये न्यू फैक्ट्स करके एक चैनल है, अभी 174 सब्सक्राइबर्स है न्यू फैक्ट्स, ठीक है, इसको प्लीज आप हेल्प करें ताकि ये ग्रो कर सके, अमेजिंग, सो ओके बहुत 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 बढ़िया, बहुत अमेजिंग, चलिए तो आज के सेशन को अब यहीं खत्म करते हैं, विनर्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, आज का प्रमोशन भी हो गया, बढ़िया, सो अमेजिंग गाइस, बहुत 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 मजा आया, हर संडे को हम लोग इसी तरह से मिलते हैं, आप लोगों से बात करते हैं और मजा भी बहुत आता है, फाइनली जाते आते कौन कौन है यहाँ पर जरा देखें, विराट ऑफिशियल हॉलीवुड बीट्स, काफी रात हो चुकी है और चेन्नई सुपर किंग्स IPL के फाइनल में पहुंच चुकी है, 12,370 लाइक्स भी आ चुके हैं, सो थैंक यू सो मच गाइस, चलो सो नाउ आराम से आप लोग सो जाओ, एंजॉय करो BM फैक्ट्स एंड विजडम, है ना, एक चैनल है जिसको आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मुझे अभी दिखा हरिओम यादव, हरिओम यादव थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग सुपर चैट्स, हरिओम यादव BM फैक्ट्स एंड विजडम, चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही प्यार इसी तरह से देते रहिएगा, और A2 मोटिवेशन मैं आपके जो A2 सर है वो आपके लिए लगे हुए हैं, और बस मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जिस दिन मेरा वो टारगेट पूरा हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं, तो 3 से 4 चीजें कर रहे हैं पैरेलली, उन पे काम चल रहा है, अब देखें वो कब तक पूरी होती है, और जब भी पूरी होंगी डेफिनेटली फाइनल शॉट A2 सर का ही होगा।
है ना? सो मिलेंगे. थैंक यू सो मच, लव यू ऑल. दिस इज रविंद्र राणा साइनिंग ऑफ. गुड नाइट गाइस, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस, और कल से फिर से धमाकेदार वीडियोस आपको मिलेंगी. ए टू अमेजिंग फैक्ट वीडियो, ए टू अमेजिंग फैक्ट जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ए टू मोटिवेशन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना. ए टू आर्मी बनना है और हमें इस मुहिम को और ए टू मोटिवेशन को आगे बढ़ाना है. थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट गाइस, टेक केयर, बाय.